इस बदलते बिहार में, आगे बढ़ते हुए बिहार में जो जन की हमारे से आशा और अपेक्षाएं हैं, हम उनके प्रति और मजबूत इरादे से काम करें। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन हुआ, तो वहीं पुलिस कमान संभालने वाले पहली बार यानी कि डीजीपी आरएस भट्टी ने भी झंडोत्तोलन किया। उन्होंने युवाओं को बहुत सारी बातें भी बताई, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में हमें और भी आगे डेवलप करना चाहिए, हमें और भी आगे बढ़ोतरी करनी चाहिए। क्या कुछ आरएस भट्टी झंडोत्तोलन करने के बाद कहें वो हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ आज पहली बार डीजीपी की पद संभालने के बाद पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में झंडोत्तोलन किया है। बिहार पुलिस की कमान संभालने के बाद डीजीपी आरएस भट्टी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार पुलिस मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर अपनी टीम के सामने कई महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने कही, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। डीजीपी ने कहा कि बदलते और आगे बढ़ते बिहार में जो जनता की पुलिस से उम्मीद है, उनके प्रति हम और मजबूती से काम करेंगे। मुझे मालूम है कि मेरे जो साथी दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं, वहाँ सुविधाओं का अभाव है, वहाँ बहुत कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी हैं, लेकिन मैं सभी से आशा करता हूं कि आप नए संकल्प के साथ आज के दिन इस बात को अपने अंदर मजबूती से ग्रहण करें कि जनता को अपने काम से संतुष्ट करें। वहीं डीजीपी ने कहा कि हमारे काम की सराहना है, हमें अपनी व्यवहार कुशलता को बढ़ाना होगा, अपने व्यवहार को और बेहतर बढ़ाना होगा। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे पूरे समाज में बदलाव हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपनाना होगा। बिहार में 67% युवा आबादी है जो देश के सबसे अधिक हैं। जो युवा बिहार के हैं उसकी आशा और अपेक्षा बिहार पुलिस से है, जिसे अच्छे से समझना होगा और उनके अनुरूप हमें बदलना होगा, इसका भी संकल्प हमें लेना चाहिए। बिहार पुलिस ने अपनी मजबूती से काम किया है, आपके काम को मैं देख रहा हूँ, सबके अंदर जो ऊर्जा और इच्छा शक्ति है वो मुझे दिख रही है, पर जो भी चुनौतियाँ हैं उन्हें भी हमें मानना होगा और इसे मानते हुए इसका निपटारण भी करना होगा और आगे इससे बढ़ना भी होगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि चौकीदार, सिपाही से लेकर जूनियर अफसर जो जहां है वो अपने पूरे मन और संकल्प के साथ सेवा करेंगे। हम सब आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, डीजीपी ने कहा। मैं हर जूनियर साथी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी हर तकलीफ और जवाबदेही में हम आपके साथ हैं, बस आप अपना काम मजबूती से व्यवहार कुशलता के साथ करें, जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखें, हम सब पर आपकी मदद और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मौके पर जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक मिला है उन्हें डीजीपी ने बधाई दी। इस बदलते बिहार में, आगे बढ़ते हुए बिहार में जो जन की हमारे से आशा और अपेक्षाएँ हैं, हम उनके प्रति और मजबूत इरादे से काम करें। आप, मुझे मालूम है कि मेरे साथी जो दूर दराज क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां सुविधाओं का अभाव है, बहुत कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मैं सबसे ये आशा करता हूं कि आप नए संकल्प के साथ आज के दिन इस बात को अपने अंदर मजबूती से ग्रहण करें कि हमारा बुनियादी काम है कि जनता को संतुष्ट करें अपने काम से। ये हमारे काम की सार है। इसके लिए हमको अपनी व्यवहार कुशलता को बढ़ाना होगा, अपने व्यवहार को और बेहतर बनाना होगा, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे कि पूरा समाज बदल रहा है, उस टेक्नोलॉजी को भी तेज़ी से अपनाना होगा। बिहार में 57% युवा आबादी है जो देश में सबसे अधिक है, तो जो युवा बिहार है उसकी जो आशा अपेक्षा है बिहार पुलिस से, उसको अच्छे से समझना होगा और उसके अनुरूप हमको बदलना होगा। ये भी हम सबको संकल्प लेना चाहिए। बिहार पुलिस ने बहुत मजबूती से काम किया है, मेहनत कर रहे हैं, आपका कार्य मैं देख रहा हूँ। सबके अंदर जो ऊर्जा, जो इच्छा शक्ति है वो मुझे दिख रही है, पर ये जो चुनौतियां हैं इनको हमको मानना होगा, समझना होगा और इसको
मानते हुए इनके साथ निपटना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं आप सबसे केवल आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हर साथी, चाहे वो सिपाही हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे कनीय पदाधिकारी हो, वो जहाँ भी सेवा कर रहा है वो अपने पूरे मन और संकल्प के साथ सेवा करे। हम सब आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं अपने हर कनीय साथी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी हर तकलीफ, आपकी हर जवाबदेही में हम आपके साथ हैं। आप अपना काम मजबूती से करें, व्यवहार कुशलता से करें, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। हम सब आपकी मदद के लिए, आपको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जय हिंद। डीजीपी बनने के बाद आरएस भट्टी ने आज पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा तोलन किया, जिसके बाद उन्होंने अपने मुख्यालय के लोगों से बात की और उन्हें ये शपथ भी दिलाई कि आने वाले दिनों में जनता जो पुलिस पे भरोसा करती है उस भरोसे को कायम रखना है और जनता के साथ, खास करके बिहार के यूथ जो न्यू टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को वो भी अपनाएं और यूथ के साथ उनका साथ देकर बिहार का विकास करें। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।